बस कर दो ना, कितना और पढ़ोगी? कल ऑफिस नहीं जाना? आज से पहले कभी छुट्टी की है जो अब करूंगी माँ। हाँ, लेकिन जब तुम जल्दी नहीं आती ना तो मुझे बहुत डर लगा रहता है। माँ इतनी दफा कहा है मत डरा करो, ऑफिस में कोई भी नहीं होता और जो मलिक साहब का घर है वो बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल आते जाते उनसे मुलाकात होती है, बड़े अच्छे इंसान है, काम से काम रखते हैं, समझो खैर ही खैर है। अच्छा चलो जाके सो जाओ, शाबाश। बंद करो ना किताबें। आ रही हूँ, आ रही हूँ, 5 मिनट में, 5 मिनट में, पक्का 5 मिनट में। चलो ये क्या नमूना तूने अपने साथ रखा? कोई मर्द का बच्चा नहीं मिला था तुम्हें काम पे रखने के लिए? ठीक, आवाज पे ही जो है सहम जाता है। मैं ट्रेन कर रहा हूँ उसे बाबा, सीख जाएगा, पढ़ रहा है, जरा जरूरतमंद है, साथ रहेगा, सख जान बन जाएगा। इसकी सारी मालूमात तो गैदर कर ली थी ना, शनाख्ती कार्ड वगैरह। देख बेटा, किसी गैर आदमी को घर में नहीं रखते। ले लूंगा, डोंट वरी। तुम्हारी यही जो लापरवाही है ना, मेरा मूड खराब कर देती है। इस वक्त घर पे कौन आ गया? जी, कौन है? कौन है जी? कौन है? जी मैं हूं मालिक मकान नजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली तारीख को तो अभी बहुत दिन पड़े, पख्तू को जैसे ही। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं किराया लेने नहीं आया। फिर बख्तावर है, अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे कह सकते। असल में उसके नाम की डाक आई थी ना, तो वही देने के लिए आया। ये लीजिए, आप दे दीजिए। लाई, मैं दे दूंगी, शुक्रिया। अब एक और बात, जरा अपने बेटे को समझाएं, शीदे के साथ दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है उसको। हर वक्त मेरे घर के सामने जो है उनकी टोली खड़ी रहती है, मुझे बहुत मायूब लगता है भाई, बेपर्दगी होती है। जी कह दूंगी मैं, खुदा हाफिज़। हाँ खुदा।